गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल स्टडीड अबाउट पेज नंबर 144 इन यूनिट 10, 10th एंड 100. कल हमने जो क्लास अटेंड की थी उसमें हमने मल्टीप्लीकेशन देखा था डेसिमल का. इससे ही रिलेटेड है आपकी ये यूनिट, सॉरी पेज नंबर 144 में क्वेश्चंस हैं जिसे आज हम पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आप देखिए पेज नंबर 144 और इसका सॉल्व आपको नोटबुक में करना है. इसलिए आप सब नोटबुक लेकर बैठेंगे. आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी है. ए और बी हमने इसका सॉल्व कर लिया था, आपको बताया भी था. आज हमें सी करना है. सी में दिया है माजी फादर इज वर्किंग इन यूएई, ही गेट्स 1000 दिरहम एज सैलरी. माजी है, उसके फादर वर्किंग कर रहे हैं कहाँ पर, यूएई में. ठीक है, यूएई कहाँ, क्या होता है ये, साउथ साउथ साइड का प्लेस है. तो हमें यूएई है जो इसमें वहां पे वर्क कर रहे हैं, आपको बताना है कि गेट 1000 दिरहम एज सैलरी, उन्हें 1000 दिरहम मिलता है. आपको ये चार्ट पीछे दिया हुआ था, कंट्री की मनी चेंज इन टू रुपीज, ये आपको चार्ट दिया हुआ है ना. इस चार्ट में आपको देखना था कि ये दिरहम में उनको मिल रही है सैलरी, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इन इंडियन करेंसी. ठीक है, आपको यूएई के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, करेंसी में चेंज करना है. यूएई होता है सऊदी रियाल है. ठीक है, सऊदी रियाल में उन्हें जो सैलरी मिल रही है वो 1000 दिरहम मिल रही है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज बोलते हैं. तो आपको इसको चेंज करना होगा रुपीज में. फिर आपको बोल रहा है अरुण फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका. अरुण के जो फादर है वो श्रीलंका में वर्क करते हैं. गेट 2000 श्रीलंकन रुपी, उनको जो सैलरी मिल रही है वो 2000 श्रीलंकन रुपीज मिल रही है. मैं जो श्रीलंका में करेंसी चल रही है वहां पे श्रीलंकन रुपीज बोलते हैं. तो आपको बताना हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी. आपको क्या बताना है कि किसे इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसको ज्यादा सैलरी मिल रही है, आपको ये बताना है इंडियन रुपीज में. ओके, तो नाउ आपको पहले क्या दिया है, माजी फादर दिया है, तो हम माजी फादर की सैलरी राइट करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी है, पेज नंबर आपका है 144. हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है. तो हम राइट कर रहे हैं माजी फादर सैलरी इक्वल, कितनी सैलरी है, 1000 दिरहम. दिरहम क्या होता है, ये सऊदी रियाल की एक करेंसी का नेम है. अब आप चार्ट में देखिए, अगर हम देखें इन इंडियन करेंसी, अगर हम इन इंडियन रुपीज में देखें तो ये क्या है, वन दिरहम इन इंडियन रुपीज में अगर हम देखते हैं तो वन दिरहम इक्वल कितना दिया हुआ है, वन दिरहम इक्वल कितने रुपीज है. देखिए इस चार्ट में आपको देखना है यूएई की करेंसी, देखिए आपको दिरहम दी हुई है और दिरहम के सामने आप देखिए तो इंडियन रुपीज ने 10 रुपीज 80 मीन्स 80 पैसे दिया हुआ है. 10 रुपीज 80 पैसे हमें बताना है. तो हम क्या कर रहे हैं, वन दिरहम इक्वल होता है 10 रुपीज 80 पैसे, ये हमने राइट कर लिया. तो 1000 दिरहम इक्वल क्या होगा, हमें क्या करना होगा, हम करते हैं 1000 दिरहम, इसलिए 1000 दिरहम इक्वल होगा 1000 मल्टीप्लाई हम कर देंगे, क्योंकि हमें 1 दिरहम का रेट पता है. तो हम क्या करेंगे, 1000 दिरहम में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10.80 रुपीज. अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, सेपरेट कर करके मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1000 में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये पॉइंट के पहले की पूरी यूनिट है, एक कंप्लीट यूनिट है 10. तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर
फिर हम प्लस साइन ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.80। जीरो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने 10 को सेपरेट कर लिया है, इसलिए हमने 10 को मल्टीप्लाई 1000 में किया है और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बच रही है, इसलिए हमने क्या किया, जीरो ले लिया। 0.80 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपको पता है हम किसी भी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो यूनिट एक जीरो लगकर मिल जाती है, अगर हम शॉर्ट ट्रिक में देखें। और अदरवाइज हम वैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हम साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। पहले हम जीरो का मल्टीप्लाई सभी डिजिट में करेंगे, जीरो जीरो, जीरो जीरो सा जीरो, जीरो जीरो सा जीरो, जीरो वन सा जीरो। अब वन का करेंगे तो वन जीरो सा जीरो, वन जीरो सा जीरो, वन जीरो सा जीरो एंड वन वन सा वन। नाउ एट दैट हम ऐड करते हैं जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो एंड वन, इट मीन 10,000। ओके, सो हियर 10,000 प्लस, अब हमें 1000 में मल्टीप्लाई करना है 0.80 का। कल हमने आपको मल्टीप्लीकेशन डेसिमल में बताया था, ठीक है, तो आज हम इसी का यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करना है 0.80, जीरो का मल्टीप्लाई हम सभी डिजिट में करेंगे 1000 की, तो सभी में जीरो का करने पर क्या आएगा, जीरो ही आता है। सभी हम सब जानते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो का किसी भी नंबर से तो हमें जीरो मिलता है। तो जीरो जीरो सा जीरो, जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई किए जीरो, जीरो जीरो सा जीरो एंड जीरो वन सा ऑल्सो जीरो। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय एट, अब हमें एट का मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, एट जीरो सा जीरो, एट जीरो सा जीरो, एट जीरो सा जीरो और एट वन सा एट। अब हमारे पास जीरो वन टाइम और दिया हुआ है लेकिन ये पॉइंट में है, हम इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जीरो जीरो सा जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो सा जीरो, जीरो वन सा ऑल्सो जीरो। अब नाउ एड देन जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो, एट प्लस जीरो एट, और यहाँ आपको जीरो है, इस जीरो की कोई मीनिंग नहीं है इसलिए हम इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, देखिए यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे कर रहे हैं यहाँ हमें टू डिजिट के पहले डेसिमल दिया हुआ है, मीन्स 0.80 है, तो 80 के पहले डेसिमल है तो हम यहाँ पे 20 के पहले हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था कि हम कहाँ से, लेफ्ट साइड से हम डेसिमल लगाना चालू करते हैं, तो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो ये क्या आ गया 800 रुपीज। में अगर हम देखें तो कितना है, क्योंकि डेसिमल के बाद 20 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 00 पैसे है कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं 800 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल गया 800। अब हम इसे ऐड कर देते हैं, तो आप ऐड करोगे तो ये इंडियन करेंसी में 10,000 प्लस 800 रुपीज, इंडियन करेंसी में जो महादेव के फादर है वो कितना रुपीज उनको मिल रहा है, 10,800 रुपीज, ठीक है। ये महादेव के फादर की सैलरी है जो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी कितनी है, 10,800 रुपीज है, ये महादेव के फादर की आई है। अभी आप इतना सॉल्व करिए, इसके बाद हमें अरुण के फादर की सैलरी फाइंड करना है, ठीक है, तो थोड़ी सा जल्दी करिएगा, करिए। मैम कर लिया है। ओके, अभी कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। ओके, नैन्सी आपका कैमरा ऑन करिए। ओके, फिर अब हम अरुण के फादर की सैलरी फाइंड कर रहे हैं, इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। माजिद के फादर की सैलरी कितनी आई है, 10,800। अब हमें अरुण के फादर की देखना है, तो अरुण फादर सैलरी, अरुण फादर सैलरी इक्वल कितनी है, अरुण के फादर की सैलरी कितनी दी हुई है, मैम 2000 श्रीलंकन रुपीज। यस, 2000 श्रीलंकन रुपीज,
श्रीलंका रुपीस के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी कितनी है? 2000 है. अब हमें चार्ट में देखना होगा इन इंडियन करेंसी, हमें इंडियन करेंसी में देखना है या इंडियन रुपीस में देखना है. इन इंडियन रुपीस सिंस वन श्रीलंकन रुपीस इक्वल कितना दिया हुआ है? वन श्रीलंकन रुपीस इक्वल टू कितना दिया हुआ है? देखिए 0.37. यस, ये आपको दिया है रुपीस 0.37. अब हमें क्या करना है, इसे भी कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीस में. तो यहाँ पे वन श्रीलंकन रुपीस इक्वल है रुपीस 0.37, तो हम इसे क्या करते हैं, 2000 श्रीलंकन रुपीस को कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में. श्रीलंकन रुपीस इक्वल हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 में 0.37 रुपीस का. ठीक है, तो अब हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जैसे अभी हमने 1000 में मल्टीप्लाई किया था, अब हमें 2000 में करना है. सो मल्टीप्लाई 7, यहाँ आपके पास वन डिजिट में 7 है, 7 का मल्टीप्लाई हम सभी डिजिट में करेंगे. 7 0 0, 7 0 0, 7 0 0, 7 2 14. नाउ 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0 एंड 3 2 6. अब अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी डिजिट क्या हो जाएंगे हमारी, 0 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 एंड 0 2 also 0. नाउ एड देम, 0 0 + 0 0, 3 times 0 है, हम ऐड करेंगे तो 0 ही मिलेगा. 4 + 0 + 0, 4, 6 + 1 = 7. एंड आगे यहाँ पर हमें फ्रंट में 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसे हम नहीं लिखते हैं. और डेसिमल हमें कहाँ पर लगाना है आप बताइए, डेसिमल कहाँ आएगा इसमें? मैम 2 digit के पहले. तो रुपीस में कितना कन्वर्ट होगा अगर हम 2 digit के पहले लगा रहे हैं, तो ये रुपीस कितना बनेगा मैम? 740 रुपीस. यस गुड, 740. हमने 2 digit के पहले डेसिमल लिया तो ये हमें रुपीस मिल रहा है 740 रुपीस, है ना. तो अब आप ये बताइए किसकी सैलरी ज्यादा है, हमने दोनों ही इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लिया, माजिद के फादर की भी और अरुण के फादर की भी. तो अरुण के फादर की जो सैलरी है वो 740 है और माजिद के फादर की जो सैलरी थी, माजिद फादर सैलरी इन इंडियन रुपीज अगर हम देखें इन इंडियन रुपीज तो कितनी थी, 10,000. कितनी आई थी, 10,800. अब आप ये बताइए किसकी सैलरी ज्यादा है इंडियन करेंसी में? मैम माजिद के फादर की. माजिद फादर की है, है ना. तो आंसर क्या आ जाएगा, माजिद फादर गेट मोर इंडियन रुपीज. ठीक है, आंसर इसमें क्या मिलेगा आपको, माजिद फादर गेट मोर इंडियन रुपीज. माजिद के जो फादर है उनकी सैलरी इंडियन रुपीज में ज्यादा है. अभी कोई डाउट इसमें? नो मैम. नो मैम. क्लियर है? यस मैम. यस. ओके, सो डू इट. Okay, completed. Yes, ma'am. Okay, so now come to the next question. Leela's auntie got a present for her from China. ठीक है, लीला की जो आंटी है उन्होंने क्या खरीदा, एक प्रेजेंट खरीदा, गिफ्ट खरीदा है चाइना से. इट कॉस्ट 30 yuan. उसकी कॉस्ट कितनी रुपीज दी है, 30 yuan दी हुई है. फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट
इन इंडियन रुपीज, हमें इसे कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में। तो पहले तो आप ये देखिए, वन युआन इक्वल टू कितना दिया हुआ है इंडियन करेंसी में? 5.50 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि हमें क्या करना है? लीला की जो आंटी है वो एक प्रेजेंट मींस एक गिफ्ट खरीद रही है, कहाँ से? चाइना से। और उन्होंने क्या किया, उसकी जो कॉस्ट चाइना में है वो है 30 युआन है। ठीक है, तो आपको इसे इसके कॉस्ट जो है वो इंडियन रुपीस में बताना है कि इंडियन रुपीस में इसकी इसका कॉस्ट कितना रुपीस है, कितने रुपीस का होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, डी है ये सॉल्व। वन युआन हम देखते हैं, वन युआन इक्वल दिया हुआ है कितना दिया है रुपीस इंडियन करेंसी में? 5.50 है ना, रुपीस 5.50 आपको दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे 30 युआन में फाइंड करना है। तो 30 युआन इक्वल हम क्या करेंगे, अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 युआन का रेट पता है, 30 युआन का फाइंड करना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5.50 रुपीज। अब हम अगर इसे सेपरेट करके मल्टीप्लाई करें तो भी फाइन हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो भी फाइन हो जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, सेपरेट करके करना है या डायरेक्ट करना है? डायरेक्ट, डायरेक्ट करके देखें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करके देखते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 5.50। ठीक है, हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जीरो जीरो का जीरो, जीरो का थ्री में मल्टीप्लाई किया जीरो आया, फाइव का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, फाइव थ्री जा फिफ्टीन। तो वी विल राइट 15। नाउ नेक्स्ट टर्म, फिर से हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 0 0 0 5 3 15। ओके, अब हम इसे ऐड करते हैं, तो 0 है, 0 प्लस 0 0 0, 5 प्लस 0 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 5 6 से, और यहाँ आपको 1 दिया है 1। अब डेसिमल कहाँ आएगा मैम? 20 के आगे, 20 आगे, यस, फ्रंट ऑफ 20 है ना। तो कितने रुपीस में कन्वर्ट हो गया मैम? 165 रुपीस। यस, तो 30 युआन इक्वल टू कितने रुपीस हो गया? 165 रुपीस। ये था आपका डी का सॉल्व। इसमें कोई डाउट? नो मैम। हाँ, ये बहुत सिंपल था, है ना। 1 युआन दिया हुआ है, तो 1 युआन का इंडियन करेंसी में हम देखें तो 5.50 होता है, मीन 5 रुपीज 50 पैसे होते हैं। और 30 युआन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 रुपीज 50 पैसे में, मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें इंडियन करेंसी में पता चला कि 30 युआन इक्वल टू होता है 165 रुपीज होता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, फिर आपको एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं, अगर आपसे बनेगा तो आप करिएगा, अदरवाइज हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसमें दिया हुआ है, आस्का वांट सम हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन। देखिए, आप जो चार्ट दिया हुआ है इसमें देखिए, हांगकांग की आपको दिया हुआ है, वहां पे हांगकांग में डॉलर चलता है ना, तो हांगकांग में डॉलर दिया हुआ है और वॉन दिया हुआ है। वॉन कहाँ की करेंसी है? देखिए, कोरिया की। इसमें हाँ, कोरिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, हाउ मेनी वॉन कैन सी चेंज फॉर रुपीज 400। अब हमें कितने वॉन चाहिए पड़ेंगे, अब इसमें हमें अपोजिट बताना है। ठीक है, कितने वॉन चाहिए पड़ेंगे आपको ये बताना है, अगर हम 4 रुपीज में चेंज कर रहे हैं, 400 के लिए हमें चेंज करना है, 400 के लिए हमें बताना है कि कितने वॉन हमें
चाहिए है, ठीक है। तो आप इसके लिए कोशिश करिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे बता देंगे आपको। ओके, आज के लिए अभी टू ही क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ी सा स्लो चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें चेंज करने वाला है रुपीज इंडियन करेंसी में। आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप खुद अच्छे से कर लोगे, है ना, इसलिए हम थोड़ी सा स्लो चल रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड, आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। यस मैम। ओके सो बाय, टेक केयर।